उपयोग बिजली और पानी का, पॉलिथिन्स का ढेर, संस्थानों से निकलता कचरा, नदियों में खुलती गंदगी, इन कारणों की कौन लेगा जिम्मेदारी? पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी ली है इन युवा पर्यावरण लीडर्स ने। पर्यावरण संरक्षण हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है, यह संविधान में लिखा है। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे कोई भी नगर में जाइए तो वहाँ पे गंदगी है, हमारी जो नदियाँ हैं उसमें प्रदूषण है, सीवरेज ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं है। Hi, I am Ananya Shivastav and I am a Yuva Paryavaran Leader. Hi, I am Vaibhav Pathak of Delhi Public School, Uttar and I am a Yuva Paryavaran Leader. Hi, my name is Munazza Fatima and I am a Yuva Paryavaran Leader. ये स्कीम जो शुरू की गई युवा पर्यावरण लीडर अवार्ड, ये बच्चों को एनकरेज करती है, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बच्चे और उत्तर प्रदेश के ऐसे ही कितने बच्चे आज युवा पर्यावरण लीडर के रूप में अपने स्कूलों और आसपास के समुदाय में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पर्यावरण लीडर कौन है? ये आपके ही जैसे कक्षा 8 से 11 के बीच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे। जिन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए लीडरशिप ली और एक बदलाव करके दिखाया। अच्छा, आप सबको पता है हाथ धुलना क्यों जरूरी होता है? और अगर कीटाणु होंगे तो फिर क्या होगा? आई एम अ युवा पर्यावरण लीडर। मैंने वाटर एंड सैनिटेशन को अपना एक्शन प्लान चूज किया। ये सब प्रयासों से आज बच्चे मिड डे मील हो या घर पे खाना खाना हो या कुछ भी करना हो, वो अच्छे से हैंड वॉशिंग टेक्निक अपनाते हुए अपने हाथ धुलते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने अभी तक 2 स्कूल कवर किए और उन दोनों स्कूल में मेरा प्रयास सफल रहा है। युवा पर्यावरण लीडर प्रोग्राम में मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने एरिया का किसी कोई भी एक इन्वायरमेंटल इशू लेकर हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हमारे स्कूल का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लाइक यहाँ पे इतनी सारी पत्तियाँ रहती थी और क्लास में जो पेपर्स वगैरह थोड़े बहुत निकलते थे। देन हमने अपनी प्रिंसिपल से परमिशन ली एक कंपोस्ट पिट के लिए। देन अपने माली भैया से मिलकर यहाँ पे कंपोस्ट पिट उन्होंने बनवाई। एंड कोई भी ऐसा कर सकता है अपने स्कूल के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज करने के लिए। विद्यार्थियों में भावी युवा पर्यावरण लीडर की खोज के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीईई के मिले जुले प्रयास से इस परियोजना की शुरुआत की गई। प्रदेश में स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए जाने हेतु पर्यावरण जागरूकता नितांत आवश्यक है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सीईई द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम की आयोजन किया गया और ये देखा गया कि इस कार्यक्रम में बच्चों की जो मौलिक प्रतिभा है उसको देखने का मौका मिला कि पर्यावरण को संरक्षण में वो किस तरह से मददगार हो सकते हैं। इस परियोजना में छात्रों के चयन को 7 चरणों में बांटा गया, जिससे छात्रों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का पता चल सके और इन 7 चरणों को पार कर छात्र बन सके युवा पर्यावरण लीडर। वो बदलाव बने जो आप विश्व में देखना चाहते हैं। गांधी जी के इन्हीं विचारों का पालन करते हुए इन छात्रों ने 5 से 6 महीनों के दौरान अपने स्कूल परिसर और आसपास के समुदाय में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। I have chosen garden farming. People used to throw their garbage in front of my house. हम लोगों ने फिर मिलके यहाँ के लैंड ओनर से बात करी, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया। मैंने अंकल जी से बात करी, अंकल जी क्या हम आपकी जगह पर कैन वी मेक अ गार्डन फार्म हेयर? क्या? यस बेटा, यू कैन मेक। हम लोग पहले देखते थे कि यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा रहता था जो कि बहुत बेकार लगता था।
लेकिन आज जब हरे भरे इन पौधों को देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब आए और जब फार्मिंग करी तो यहाँ पर धीरे धीरे चिड़ियाँ आने लगी, बहुत सारी तितलियाँ आने लगी, तो देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे यू जस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप, आप अपना पहले लीजिए, दे आफ्टर टू स्टेप दे विल बी सपोर्टिंग यू। द टॉपिक ऑफ माई एक्शन प्लान इज पावर कंजर्वेशन। मैंने अपने स्कूल में पावर कंजर्वेशन के बारे में अपने प्रिंसिपल सिस्टर से बात की तो उन्होंने पहले मना किया। मैंने सारे क्लासेस में सर्वे किया कि टोटल नंबर ऑफ़ फैंस कितने हैं मेरे क्लास में, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब्स कितने हैं। फिर मेरे यहाँ वाटर कूलर गर्मियों में भी चलता था, सर्दियों में भी चलता था, तो गर्मियों में उसे टाइमली चलवाने का बोला और सर्दियों में टोटल बंद कर दिया। एक दिन अनन्या आई और कहने लगी कि ये सोलर पैनल लगाने से बिजली की बचत होगी, बैटरी लगाई जाएगी, एलईडी का प्रयोग किया जाएगा तो कुछ बचेगा। हमने कोशिश किया, लगाया, वो बताती गई और लगभग 3-4 महीने हो रहे हैं और लगातार बिजली की बिल में कटौती होती चली जा रही है। आज आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब मिलकर पहल करें तभी ये एनवायरनमेंट सेव हो सकेगा। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से वो थोड़ी दूर वो जो साफ एरिया दिख रहा है वो पहले बिल्कुल भी वैसा नहीं था। हमारे आने से पहले मंदिर का जो भी फूल कचड़े वाला वेस्ट होता था सब वहीं पे डाल दिया जाता था। कुल मिला के 16 से 18 गमले थे जो कि ऐसे ही पड़े हुए थे। हमने उन सबको उठाया, उन सबको साफ़ किया, सबके अंदर से मिट्टी निकाली, फिर उसको मतलब एकदम पेंट किया। फिर अभी जो अभी हम पिछले अभी 13 तारीख को आए थे मंदिर पे तो हम मैन्योर लाए थे अपने साथ में, उसे मिट्टी के साथ मिला के हमने इन गमलों में वापस डाला और फिर हमने खुद से पैसा कलेक्शन करके पेड़ मंगाए थे तो हमने पेड़ लगाए। इन छात्रों ने न केवल अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया है बल्कि समाज के कई लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक नई पहल करने के लिए प्रेरित भी किया है। ये बच्ची जो प्रयास कर रही है पॉलिथीन बंद करवाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और दुकानदारों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए और जो कस्टमर हैं उनको पहले सहयोग देना चाहिए कि वो ना मांगा करे पॉलिथीन। इन बच्चों को अपने प्रभारी शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन, सीईई की टीम और अपने अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिला है। Children now with this knowledge feel that they can do something, and one of the places they do it is of course in their homes, in their neighborhoods. I've seen any number of children who said that now even water is not wastage in my home. All these actions are things which children start and take to their families and other things and among each other. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सीई के लिए, ऑपरेबलिन के लिए, ऑपरेबलिन जैसे और बच्चों के लिए कि वो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे जू को हरा भरा रखने, पॉल्यूशन फ्री रखने और पॉलीथीन फ्री रखने में हमारी जो मदद कर रहे हैं वो आगे भी चलती रहेगी। प्रबलिन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर अ वेरी गुड कॉज। हर प्लानिंग वॉज नाइस सो थिंग्स आर कमिंग इन टू शेप नाउ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड शी हैड बीन अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल बट This project has really brought her, so she really works now all independently. आओ अपने पर्यावरण को प्यार से हम महकाएं, सुख शांति स्वास्थ्य जहां हो ऐसा जहां बनाएं। A good environmental education program will lead to all these green crusaders who are leaders for the future. I'm really thankful to Yuva Paryavaran Leader, mentors and teachers here because they are helping me bring change into the society. मैं थैंक करना चाहूँगा सी ई एंड यू पी पी सी बी के जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं। पेड़ों की महिमा को समझो, खुद समझो, जन जन को समझाओ,
प्रतिदिन अपने हाथों से तुम नए नए पेड़ लगाओ।